गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। ओके, क्योंकि अभी दो दिन से हम लोग सभी लोग बारिश से बहुत परेशान हैं, चाहे आपके यहाँ हो या हमारे यहाँ हो। अभी करेंट सिचुएशन में भी बारिश बहुत तेज हो रही है, तो इंडिया के बहुत सारे पार्ट में बारिश हो रही है। तो इस पीरियड में भी हमें अपने वर्क को कम्प्लीट करते रहना है। ये वेदर इशू और महामारी, ये सब लाइफ के पार्ट हैं, ये सब आएंगे ही, और इन्हीं को फेस करते हुए भी हमें अपने जो हमारा जो एक्चुअल वर्क है उसे पूरा करते रहना है। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था ये लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह होगा डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के कौन कौन से कुछ डिसऑर्डर हैं, जैसे एलर्जी हो गया, एलर्जी में बहुत सारे टाइप हैं, हे फीवर, अस्थमा, फिलैटिक फीवर, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग देते हैं हम लोग डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर के बारे में। ओके, तो उसमें से कुछ डिसऑर्डर हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एलर्जी। एलर्जी क्या कहता है? तो एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिवनेस किसी एक पर्सन का, जब हमारा बॉडी किसी भी एक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाए, तो वह सब्सटेंस हमारे बॉडी में जब भी आएगा तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। एक्चुअल में वह सब्सटेंस जो है, हमारा बॉडी उस सब्सटेंस को एज ए एंटीजन के रूप में लेता है, जिसके वजह से हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो समझने लगता है कि यह सब्सटेंस जो है वह एंटीजन है और उसके रिस्पेक्ट में इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव है। तो वही होता है कि हाइपर सेंसिटिवनेस, जैसे किसी को मछली से एलर्जी हो जाती है, किसी को अंडे से एलर्जी होती है, किसी को किसी टैबलेट से एलर्जी होती है, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है और इसके सिम्टम्स भी वैरी करते हैं। बट इन जनरल जो है, किसी भी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में एलर्जी जो है वह, यानी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वह बढ़ जाएगा। ठीक है, बारिश बहुत तेज हो गई है, प्लीज वन मिनट, आई हैव टू क्लोज द विंडो। तो एलर्जी क्या कहता है? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ए पर्सन टू ए सब्सटेंस और मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ज्यादा हाइपर सेंसिटिवनेस हो जाएगा। अब जो सब्सटेंस एलर्जी काउज करता है तो उसको कहते हैं हम लोग एलर्जेंस। सब्सटेंस दैट काउज एलर्जी कॉल्ड एलर्जेंस। तो उस सब्सटेंस को हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल किसी को एग, फिश,
पेनिसिलिन ड्रग टॉक्सिन केमिकल पेन एक्सेट्रा। ठीक है, अब अगर इसकी हम लोग सिम्टम्स की बात करें कि एलर्जी का क्या सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिम्टम्स इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जनरली स्किन एंड म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन प्रॉब्लम तो स्किन वगैरह पे क्या होते हैं, रैशेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो जनरल सिम्टम्स आते हैं। फिर उसके बाद में रनिंग नोज प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। ये जो है वो इन जनरल जो है वो क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। तो ज्यादातर डिफिकल्टी ये सब होता है। अब इसमें कॉज क्या होता है, रीजन क्या है? देखो, जब भी हमें यह पता करना होगा कि बॉडी में एलर्जी है कि नहीं, तो डॉक्टर सबसे पहले जो है वो टेस्ट लिखेगा ब्लड का और उसमें फाइंड आउट कराएगा कि क्या आईजीई का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। आईजीई का अगर सडन कंसंट्रेशन बढ़ गया है, इसका मतलब कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जी, यानी उस पर्सन में एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो यानी आईजीई जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें सिम्टम दिखाता है कि यह पर्सन जो है वो किससे तो एलर्जी से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेनली आईजीएन केमिकल हिस्टामिन या सेरोटोनिन जो मास्क से आते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मेनली आईजीई एंड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम मास्क से इन्वॉल्व। तो आईजीई हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये तीनों, इसीलिए एलर्जी के केस में ट्रीटमेंट के रूप में एंटी हिस्टामिन का टैबलेट सबसे ज्यादा चलाया जाता है, क्योंकि हिस्टामिन जब भी आएगा तो वैसोडाइलेशन का कंडीशन क्रिएट करता है, यानी ब्लड कैपिलरी को डायलेट कर देगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी सडन डाउन हो सकता है और होता है। हिस्टामिन इंक्रीज इंक्रीज या वर्क एज वैसोडाइलेटर इंक्रीज कैपिलरीज डायमीटर डेट कॉज फॉल इन बीपी यानी ब्लड प्रेशर। तो ये जो है वो एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है हिस्टामिन, और इसी वजह से ट्रीटमेंट के रूप में हमें सबसे ज्यादा एंटी हिस्टामिन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीफर करते हैं।
एलर्जी जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर भी होता है, ज्यादातर एलर्जी जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड में क्या होता है ट्रांसफर भी होता है, और प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आईजी जो है वो कैरेक्टराइज कराता है। एलर्जी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड एंड इट इज कैरेक्टराइज बाई IgE ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामी अब सम एग्जांपल ऑफ some example of एलर्जी, कुछ एग्जाम्पल है एलर्जी का, हम लोग देखेंगे कि एलर्जी के कुछ कौन कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अस्थमा या फिर हे फीवर, कुछ भी देख सकते हैं। ये देखते हैं हम लोग हे फीवर, बहुत ही कॉमन है। हे फीवर ओके, तो हे फीवर इट इज ड्यू टू pollen of grass tree and other plant. जो pollen grain होते हैं वो जो आप जानते हैं कि वो एलर्जी कॉज करते हैं, तो pollen ये ग्रास के पॉलन से या किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन के वजह से यह एलर्जी होती है, ठीक है। सिम्टम्स में आप वही सिम्टम्स में तो इसमें रनिंग नोज ब्लॉक नोज वाटरिंग आई निजिंग ड्यू टू सिस्टम। तो जब ये क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन वगैरह जब हम इनहेल करते हैं तो वो जा करके मास्क से हिस्टामिन का सेक्रेशन ज्यादा करा देते हैं, हिस्टामिन जितना ज्यादा आएगा जिसके वजह से ये सारे इश्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका भी ट्रीटमेंट के रूप में आप जान सकते हैं कि ट्रीटमेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, तो एंटी हिस्टामिन जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और ये खास करके जब आप किसी न्यू प्लेस में आप जाते हैं जैसे ऊटी वगैरह या कोई हिल स्टेशन आप गए घूमने के लिए और वहां के गार्डन में आप जाकर के नए नए प्लांट के फ्लावर को देखा तो कभी कभी वहीं पर हमें इस तरह की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ड्यू टू द पॉलन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट हमें देखना है वह अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में आप देखेंगे हम लोग हे फीवर के बाद में अस्थमा।
अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकियोल के सराउंडिंग जो टिश्यू है वे स्वेल अप कर जाते हैं, यानी उनमें स्वेलिंग हो जाती है। किसके? ब्रोंकियोल के आसपास के टिश्यू। अब ब्रोंकियोल के आसपास के टिश्यू अगर स्वेल अप कर जाएंगे तो आप जानते हो कि इस तरह से ये मान लो कि ब्रोंकियोल है, इसके आसपास के अगर टिश्यू ये स्वेल अप कर जाएंगे, ठीक है, इसके आसपास के टिश्यू स्वेल अप कर गए, खुल गए, तो इसको फैलने में क्या होगी, स्पेस नहीं मिलेगा, इस ब्रोंकियोल को स्पेस नहीं मिलेगा फैलने के लिए, क्योंकि जब एयर आता है तो आप जानते हो कि ये फैलता है, तो इसे स्पेस ही नहीं मिलेगा। जब स्पेस नहीं मिलेगा तो ब्रीदिंग का इश्यू स्टार्ट हो जाएगा, और जब ब्रीदिंग का इश्यू स्टार्ट होता है तो इसे अस्थमा वाले को कंटिन्यूअस खांसी होने लगती है, कफ आने लगता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा खांसने लगेगा। अब जिसके वजह से उसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिम्टम्स यही है कि ट्रबल या प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रोंकियोल्स के आसपास के जो टिश्यू है वह स्वेल अप कर जाते हैं अस्थमा में, इसीलिए हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर जो है वह इनहेलर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में भी लिया जाता है, और एरोसोल इनहेलर का या पाउडरी इनहेलर जो है उसमें ज्यादा यूज करते हैं। तो अस्थमा का अगर क्विक हमें ट्रीटमेंट है तो वह है इनहेलर, तुरंत इनहेलर दे दो वह ठीक हो जाएगा। तो ये जो चीज अस्थमा, तो अस्थमा भी क्या है, एक तरह से अस्थमा पूरी तरह से एक एलर्जी है जिसमें उसके सराउंडिंग टिश्यू जो है वह स्वेल अप कर जाते हैं। टिश्यू सराउंडिंग दी ब्रोंकियोल्स आर स्वेल अप, टिश्यू सराउंडिंग दी ब्रोंकियोल्स आर स्वेल अप, यानी कि स्वेल अप हो गया तो फिर वो क्या करेगा, कॉम्प्रेस करेगा ब्रोंकियोल्स को। थोड़ा स्पेस, चलो पूरा हो गया, थोड़ा टिश्यू सराउंडिंग दी ब्रोंकियोल्स आर स्वेल अप, दैट काउज टू ब्रोंकियोल्स एंड डिफिकल्टीज इन डिफिकल्टीज होने लगी। अब अगर इसके हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्लियर क्या रहेगा, तो सिम्टम्स में आप समझ लीजिए वही जो यहां पर जो बात लिखे हैं वही इसका मेन सिम्टम्स है। तो अब इसके ट्रीटमेंट, स्वेलिंग ऑफ अराउंड ब्रोंकियोल्स एंड ब्राइक ऑफ ड्राई ऑफ अब ट्रीटमेंट ब्रोंकोडाइलेटर विद और विदाउट
टेस्टोस्टेरोन विदाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल एंड एरोसोल या फिर ड्राई पाउडर इनहेलर। तो या तो एरोसोल इनहेलर होते हैं जिसे मुंह को ओपन करके तुरंत दो बार लिया जाता है, तो उससे वो एज ए इंस्टेंट ब्रोंकोडायलेटर के रूप में वो काम करते हैं। तो एरोसोल यानी, और ये जो ब्रोंकोडायलेटर है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ये इस तरह से ट्रीटमेंट इसका कर लिया जाता है। अस्थमा कभी कभी अगर कंटिन्यू कफ कर दिया तो कहते हैं कि अस्थमा को ही हम लोग हिंदी में दमा बोलते हैं। ठीक है, दमा, दमा का मतलब होता है, पहले कहा जाता था कि दमा दम निकालते तक रहता है, यानी जब तक इंसान मर ना जाए तब तक उसके साथ दमा बना रहता था। मतलब कि जैसे ही उसको वो एलर्जेंस मिलेगा फिर से उसको वो स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जब वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा तो ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो उस फिर से एलर्जेंस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन नाउ अगेन हमारा ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो चुका है मेडिकल, तो इसमें भी हम लोग काफी हद तक क्योर कर लिए हैं। लेकिन 100% क्योर की अब दोबारा से वो चीज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक तरह का एलर्जी है। एलर्जी कहने का मतलब यह कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि जो किसी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में इस तरह से काम हो गया, तो चलो हम एंटीबायोटिक या कोई दूसरा ऐसा ड्रग ले लें जिससे वह इन्फेक्शियस एजेंट मर जाए। ये एक एलर्जी है, जैसे ही वो एलर्जेंस बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा हमारा इम्यून सिस्टम जो है वह तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए इसके बाद में हम लोग को एक क्लास और देखना है, एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में इट इज ए एलर्जी इन विच ऑल टिश्यू आर इन्वॉल्व। यह एक ऐसा एलर्जी है जिसमें बॉडी के सारे टिश्यू जो है वह इन्वॉल्व हो जाते हैं। और होता क्या है कि इसमें जो हमारा बॉडी जो है वह इन्फेक्शन या एंटीजन के रेस्पेक्ट में हिस्टामिन को रिलीज करने लगता है। तो हिस्टामिन जब आएगा मास सेल से तो वह डायलेशन का, आर्टरी को डायलेशन कराएगा, तो यानी कि इसमें, और जो एंटीजन है वह किस कोई भी चीज के रूप में एंटीजन को ले सकता है। एंटीजन का मतलब ये मत समझिए कि बैक्टीरिया और वायरस का ही। यहां पर इम्यून सिस्टम का एक्टिवेट होना यानी वह उस पार्टिकुलर कॉम्पोनेंट को, सब्सटांस को एंटीजन के रूप में लेकर के, जैसे पेनिसिलिन, इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव टू, इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिव टू एंटीजन सच एज पेनिसिलिन। अब आप सोच रहे हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो एक एंटीबायोटिक है, तो यहां पर पेनिसिलिन को ही वो क्या समझ लिया, एंटीजन समझ लिया। एंड रप्चर मास्ट सेल रिलीज मोर
हिस्टामिन डेट काउज वैसोडाइलेटर। तो आप जानते हो हिस्टामिन एक वैसोडाइलेटर के रूप में काम करता है। जब वैसोडाइलेशन होगा तो फ्लूड आर पास फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। जो ब्लड में फ्लूड है, ब्लड क्या है उसमें फ्लूड भी है, तो ब्लड के फ्लूड जो होंगे वो उस आर्टेरी या वेन से तुरंत जो है वो टिश्यू के अंदर इंटर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लूड सभी टिश्यू के अंदर चला जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम जो है, यानी कि जो कंपोनेंट है ब्लड के, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा जिसके वजह से ब्लड प्रेशर सडन डिक्रीज हो जाएगा। पास फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू डेट काउज डेट लीड टू डिक्रीज ब्लड फ्लूड एंड डिक्रीज और सडन ब्लड प्रेशर डिक्रीज। तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो तुरंत क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगता है इसके वजह से, जिसके वजह से पर्सन जो है वह डाई भी कर सकता है। पर्सन में भी डाई, तो पर्सन जो होगा वह डाई भी कर सकता है इसके वजह से। ट्रीटमेंट इसमें भी वही है, एंटी हिस्टामिन, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो ये हम लोग थोड़ा सा एलर्जी को देख लिए। अब आइए एक हेडिंग देंगे हम लोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ऑटो इम्यून सिस्टम में देखिए, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक सबसे यूनिक कैरेक्टर क्या है? यूनिक कैरेक्टर यह है कि यह अपने बॉडी के सेल्फ प्रोटीन को नहीं मारता है, यानी हमारे बॉडी के जो खुद के जो सेल हैं वह नहीं मारेगा। ठीक, ये जो फॉरेन मॉलिक्यूल का जो प्रोटीन है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इम्यून सिस्टम का, कि यह रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, कौन हमारा सेल्फ है कौन हमारा नॉन सेल्फ है, यानी जो खुद का वाला होगा वो सेल्फ और जो दूसरे वाला होगा वो नॉन सेल्फ होगा। तो ये दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। The unique character of our immune system to distinguish between self and non-self
नोस्ट्रिल प्रोटीन या सेल। तो जो हमारा नॉन सेल्फ होगा उसको मारने का काम और जो हमारा सेल्फ होगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम ही हमारा इम्यून सिस्टम का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। लेकिन यही कैरेक्टर जब लॉस्ट हो जाए, यानी वो डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाता है कि कौन हमारे सेल का है और कौन हमारे नॉन सेल्फ का है, यानी कि कहने का मतलब जो हुआ कि हमारा इम्यून सिस्टम नेवर अटैक द बॉडी ऑन प्रोटीन्स। कहने का मतलब इम्यून सिस्टम नेवर अटैक बॉडी ऑन प्रोटीन। अब ये बात हमने लिखा यहां पर कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे बॉडी के खुद के प्रोटीन को नहीं मारता है। लेकिन जब यही उल्टा होने लगे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपने ही बॉडी के प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करे, मारना चालू कर दे, तो वैसे ही डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। और उस इम्यून सिस्टम को कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम खुद के लिए, इम्यून सिस्टम का काम ही क्या है, बाहरी को मार के भगाना। इम्यून सिस्टम का मतलब कोई भी जो बाहरी है, यानी जो फॉरेन, यानी जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसको मार के भगाना, पहला बात तो ये। अब उसमें एक वर्ड लग गया ऑटो, ऑटो इम्यून सिस्टम, तो यानी कि जो खुद का ही बॉडी का जो पार्ट है उसी को मार के भगाना या उसी को खत्म करना, तो इसलिए हो गया ऑटो इम्यून सिस्टम। तो ऑटो इम्यून सिस्टम को जब हमें डेफिनेशन देना होगा तो हम क्या बोल सकते हैं बताइए, कि जब हमारे बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज इम्यून सिस्टम फेल टू रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय सेल्फ प्रोटीन, सेल्फ प्रोटीन कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। एंड दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड, दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड ऑटो इम्यून सिस्टम। और इस इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम। देखिए ऑटो इम्यून सिस्टम के ऐसे जनरली बहुत सारे फैक्टर हैं, बट दो इंपॉर्टेंट फैक्टर को हम लोग ले सकते हैं। तो काउज में क्या काउज है या क्या रीजन है इस ऑटो इम्यून सिस्टम के, तो पहला जो है वह जेनेटिक फैक्टर है। तो जो टी सेल और मेजर हिस्टो कॉम्पैक्टिबिलिटी यानी एमएससी जो मॉलिक्यूल होता है, इन दोनों के जीन में अगर एबनॉर्मैलिटीज आ जाए
द जीन ऑफ टी सेल एंड एमएससी अभी हम आगे बताने वाले हैं, ऐसे पूरा नाम है एबनॉर्मेलिटीज इन द जीन ऑफ टी सेल एंड पूरा नाम है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसी को कहते हैं हम लोग एमएससी। एमएससी जो है वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। सिलेबस में आपको नहीं है, आप देखिए एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा या किसी दूसरे रेफरेंस बुक में, अगर दिया भी होगा तो बहुत छोटा सा दिया होगा। जबकि पूरे इम्यून सिस्टम का सबसे मेजर पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो एमएससी ही है। यही तो रिकॉग्नाइज कराता है कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इससे। बस अभी समझ लीजिए कि अगर टी सेल के जीन में और एमएससी मॉलिक्यूल के अगर जीन में कोई एबनॉर्मलिटी है तो जिसके वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होता है। तो एबनॉर्मलिटी इन द जीन ऑफ टी सेल एंड मेजर हिस्टोक्रोम कॉम्प्लेक्स कॉज ऑटो इम्यून डिजीज। और दूसरा जो है वह एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब हुआ कि एनवायरमेंट में कोई चेंजेज आया है, उस एनवायरमेंटल चेंजेज के वजह से हमारे जीन में या हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसके वजह से वो अपने ही बॉडी के किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को या सेल को डिस्ट्रॉय करना या प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया है। तो ये भी एक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर। इट इज ऑल्सो ए फैक्टर टू कॉज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या डिजीज। आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर गलती से आप बाहर निकले, अगर आपको एक छींक आ रही है, तो ये कोरोना ने इंसान को खुल के छींकने और खांसने पे पाबंदी लगा दी है। अगर आपके आसपास में कोई या आप ही कहीं गलती से छींक दिए, अरे लोगों को पहले भी सर्दी होती थी, लोगों को पहले भी खांसी होती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आपने गलती से किसी के आसपास छींक दिया तो सामने वाला ये नहीं समझेगा कि आपने छींका है, सामने वाला ये समझेगा कि बस आपने कोरोना निकाल दिया और वो कोरोना डायरेक्ट उसे अटैक करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बाहर निकलें, और ज्यादातर जब हम मास्क को पहनते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, बंधा बंधा रहता है तो थोड़ा सा घुटन होती है, तो खांसी आने लगती है, गला सूखने लगता है तो खांसी आने लगती है। तो मास्क पहन के भी अगर खांस दिया आपने तो आपके आसपास वाले सब किनारा। और अब तो शायद वो दिन दूर नहीं कि जब हम किसी भीड़ वाले बस में अगर चढ़े और सीट न मिले, आराम से थोड़ा मास्क उतार के और मजे से खांस देने का, या फिर थोड़ा सा बाम वगैरह लगा के ऐसा कर दो कि पूरे आंख से पानी आ रहा हो और खांसी स्टार्ट कर दो, देखो पूरा माहौल खाली हो जाएगा। तो इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ इसके लॉस भी हैं। तो उसी तरह
देखेंगे। तो ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज काउज करता है। अब कुछ एग्जांपल जो है उसको हम लोग एक जगह एक टेबल फॉर्म में लेंगे। ओके चलिए, सम एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, एक तरफ ये हो गया डिजीज, ये हो गया अफेक्टेड टिश्यू ऑर्गन यानी टिश्यू और सेल या ऑर्गन और टिश्यू, टिश्यू और एक तरफ सिम्टम्स। तो हमारा इंक भी अब बहुत खत्म हो चुका है। ये हो गया तो वन बाय वन करके हम लोग एक टेबल फॉर्म में एक जगह कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का रिवीजन करते रहें। चलिए देखेंगे हम लोग एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज ये होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जिसके वजह से जो एड्रेनल सेक्रेशन है वह खत्म हो जाते हैं, यानी अंडर सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल हार्मोन वीकनेस नौजिया वेट लॉस लो ब्लड सोडियम लो ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर डार्क एंड स्किन उसके बाद में आई सेकेंड में डायबिटीज मेलिटस। टी वन का मतलब टाइप वन, जब पूरा लिख देता हूं मैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, मेलिटस टाइप वन, डायबिटीज मेलिटस टाइप वन, यानी इसमें क्या होता है तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास और बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास अफेक्टेड होता है अंडर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन और
अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हाई ब्लड शुगर, ब्लड शुगर हाई हो जाएगा। उसके बाद ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज में थायराइड ग्लैंड है, तो ओवर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ओवर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और बीएमआर बसल मेटाबॉलिक रेट जो है यानी मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हेमोलिटिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया ये किसमें, आरबीसी में, द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी मरने लगता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जब आरबीसी मरेगा तो क्या हो जाएगा, लो आरबीसी, आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा। उसके बाद हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस भी पूरा बोलते हैं क्योंकि थायरॉइड में होता है, हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस तो कहां होगा, यह थायरॉइड में होगा। स्वेलिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ थायरॉइड ग्लैंड पार्शियल और टोटल, पार्शियल और टोटल, टोटल फेल्यूअर ऑफ, पार्शियल और टोटल फेल्यूअर ऑफ थायरॉइड थायरॉइड सेक्रेशन कॉमन इन वुमेन। मल्टीपल एस्क्लेरोसिस, मल्टीपल एस्क्लेरोसिस माइलिन शीथ अराउंड नर्व सेल, माइलिन शीथ अराउंड से, तो लॉस ऑफ प्रिसाइड मसल कंट्रोल, मसल कंट्रोल, परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, स्टमक सेल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें क्या अफेक्टेड होता है, तो स्टमक सेल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, लो प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, लो प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, लो प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी12,
ये सब डाइजेशन में कराया हुआ है मेरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12, उसके बाद में देखिए ऊपर का हो गया होगा तो नंबरिंग आप दे लीजिएगा कौन कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप जो लिखेंगे हम लोग 8, 9, 10 ऐसे जाएगा, तो आप नंबरिंग अपना देते चलिए। रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर में हार्ट सेल वाल, हार्ट सेल वाल अकर्स आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल, इन्फेक्शन वीकन एंटायर हार्ट वॉल, वीकन एंटायर हार्ट वॉल बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। रूमेटिक अर्थराइटिस, अर्थराइटिस आर ए बोलते हैं इसको ऐसे, तो ये जॉइंट्स में, जॉइंट्स में इसमें क्या है, आईजीजी IgM and complements are deposited in joints, mutant IgM attack mutant IgM attack to IgG, यानी IgM में कुछ म्यूटेशन होता है जिसके वजह से वो IgG को ही मारना चालू कर देता है, जिसके और फाइनली कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिस्टेमिक लुपस एरिथेमेटोसस, ये है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, एरिथेमेटोसस
ज्वाइंट पेन, फीवर, ओरल अल्सर, ज्वाइंट पेन, फीवर, ओरल अल्सर। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ हमारा ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोगों को देखना है HIV एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में, और उसके पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इम्यूनिटी का अब मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि जो इम्यूनिटी का पार्ट तो था उसमें सिर्फ MSC मॉलिक्यूल कराएंगे। उसके बाद में अब हम लोग डिजीज देखेंगे HIV एड्स, कैंसर, और तब लास्ट पोर्शन देखेंगे ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। ओके, ठीक है।